हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हमने इंग्लिश के काफ़ी लेसन्स कर लिए थे और एक्सप्लेनेशंस हो गए हैं। उसके अलावा आपके पास में सब लेसन्स के PDF पहुंच गए हैं, तो आप अपनी कॉपीज तो एटलीस्ट कंप्लीट करना शुरू करिए। सो ये हमारी क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट का हमारा लेसन 5 है। तो क्या है हमारा लेसन 5? हमारा लेसन 5 है बोट सेल ऑन द रिवर्स। जो बोट्स हैं वो कहाँ पे चलती हैं? वो रिवर पे चलती हैं। बोट्स मतलब छोटी छोटी नाव। और किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है क्रिस्टीना ने। और इसमें उन्होंने क्या बताया है, इस पोयम में उन्होंने जो रेनबो होता है इंद्रधनुष, उसकी खूबसूरती को बताया है। और उनका कहना क्या है कि जो रेनबो होता है वो अर्थ और स्काई के बीच का एक ब्रिज होता है, मतलब एक तरह का पुल होता है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर फार प्रिटियर देन दीज। तो क्रिस्टीना क्या बोल रही हैं? क्रिस्टीना बोल रही हैं कि जो बोट्स होती हैं वो कहाँ चलती हैं? वो रिवर्स में चलती हैं, और जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो समुद्र में चलते हैं। बट जो क्या होता है, क्लाउड्स बादल होते हैं वो कहाँ चलते हैं? वो आसमान में तैरते हैं। और जो बादल होते हैं वो इन सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं। किन से ज़्यादा सुंदर होते हैं? ये शिप्स और बोट्स से। देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेज हैवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम स्काई टू अर्थ इज फार प्रिटियर देन दीज। अब क्या बोलती हैं? अब वो बोलती हैं कि देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, जो ब्रिजेस के ऊपर रिवर होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। बट द वो दैट ब्रिजेस हैवन, पर वो जो इंद्रधनुष होता है जो ऊपर आसमान से चलता है एंड ओवर टॉप द ट्रीज के ऊपर रहता है एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और जो अर्थ और स्काई के बीच का एक रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, इज फार प्रिटियर देन दीज। तो जो ये इंद्रधनुष है और जो ये रेनबो है वो इन सारी चीज़ों से अच्छा है। कौन सी चीज़ों से? बोट्स से अच्छा है, शिप्स से अच्छा है, जो रिवर के ऊपर ब्रिजेस बनते हैं उनसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा क्या है? ये रेनबो है। तो ये हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन था। ये इसके वर्ड मीनिंग्स है जो आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए MCQs, बोट्स सेल्स ऑन द, कहाँ पे सेल करती हैं? रिवर में। शिप सेल्स ऑन द सी, तो बोट्स कहाँ सेल करती हैं? शिप में। जो बोट्स सेल करती हैं वो रिवर पे। शिप सेल करती है कहाँ? ट्री में करती है। तो ये फॉल्स है। ब्रिजेस ऑन द रोड, ये फॉल्स है क्योंकि हमने रिवर पढ़ा है। बट क्लाउड्स आर प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। एंड शिप सेल्स ऑन द सी, द क्लाउड सेल्स अक्रॉस द स्काई, द देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, बट द वो दैट ब्रिज इज हेवन। फिर इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द पोएटिस व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल, द बोट एंड द शिप दैट सेल ऑन द रिवर। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएटिस व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल, द बोट्स एंड द शिप्स दैट सेल ऑन द रिवर और द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई। तो इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है? तो इसमें आपको पहले आंसर में क्या, सबसे पहले क्या लिखना है? ये वाली लाइन, अकॉर्डिंग टू द पोएटिस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर मोर ब्यूटीफुल। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। सेकंड है, विच ब्रिज इज द पोएटिस टॉकिंग अबाउट, तो द रेनबो दैट ब्रिज इज हैवन, ये इसका आंसर है। अब आपका नेक्स्ट है, हु रोट दिस पोएम, तो किसने लिखा? तो क्रिस्टीना रोस्टी ने ये पोएम लिखा है। आपको ये नाम यहाँ भी आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ। अब ग्रामर में हमको ए और एन का यूज़ करना है। तो जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कॉन्सनेंट्स और वोवेल्स। तो वो क्या, जो वर्ड ए से शुरू होते हैं वो हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जो वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वर्ड जिसमें हम ए का यूज़ करते हैं
किस में यूज़ करते हैं, कॉन्सनेंट्स में हम ए का यूज़ करते हैं, और एन का यूज़ हम किस में करते हैं, वॉवल्स में. तो हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं हमारे, ए आई ई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी बचे हुए वो हमारे सब हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो अब हमको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, हमको ये पिक्चर्स देख के बताना है किसमें ए लगेगा और एन लगेगा. अब जैसे बुक है तो बुक में क्या लगेगा, ए लगेगा. पेन में ए लगेगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पी से हो रही है, ओल्ड मैन, तो ये हमारा क्या है, बॉबल वाला, तो इसमें एन लगेगा. अम्ब्रेला में एन, कैट में ए और एग में एन. अब क्या है, यूज़ द डिक्शनरी एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ द बोट. अब यहाँ पे ये डिक्शनरी दे रखी है, ये बोट है, तो इसके पार्ट्स के नाम लिखना है. तो ये वाला जो पार्ट है इसका मस्त, एम ए एस टी, इसका है सेल, एस ए आई एल, ये रडर, आर यू डबल डी ई आर, और ये वाला जो पार्ट है ये स्टर्न, एस टी ई आर एन. क्रिएटिव राइटिंग में देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये पिक्चर्स दे रखी हैं हमारी, ये पिक्चर्स हैं ये देखिए, और यहाँ पे उनको लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर में कुकिंग फूड है, तो कौन खाना बनाता है, मम्मा इज़ कुकिंग फूड. ये टीना इज़ स्टैंडिंग, यहाँ पे देखिए खड़ी है, तो टीना इज़ स्टैंडिंग क्लोज टू हर मम्मा, द प्रेशर कुकर गिव्स अ विसल, टीना पुट्स हर हैंड ऑन हर ईयर्स, मम्मा सेज़ टीना गो एंड वॉश योर हैंड्स, देन ब्रिंग योर प्लेट, द फूड इज़ रेडी. सो ये हमारा लेसन था, ये कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो अपनी कॉपीज कंप्लीट कर लीजिए, अब सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशंस बचे हैं, तो वो आपको जल्दी जल्दी से मिलते जाएंगे. ओके चिल्ड्रंस, गुड बाय.